फैशन की दुनिया में हर किसी के जुबान पर बस एक ही नाम है, उर्फी जावेद। उर्फी जावेद को कौन नहीं जानता। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने इनकी वीडियोस तो जरूर देखी होंगी। उर्फी जावेद अपनी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए काफी ज्यादा ट्रोल होती हैं, लेकिन इनका पास जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उर्फी के पापा, जिन्होंने उर्फी को 2 साल तक फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया, इसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या थी, तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी करते हैं उर्फी को फॉलो और जानना चाहते हैं इनके बारे में सब कुछ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और साथ ही आपको बताएंगे उर्फी जावेद की लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उर्फी का फुल नेम उर्फी जावेद है। 15 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मुस्लिम फैमिली में एक प्यारी बच्ची का जन्म हुआ, जिसे आप सब लोग फैशन क्वीन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, उर्फी जावेद ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। अगर आज उसकी जगह कोई और होता तो शायद आज सुसाइड कर लेता। उर्फी को कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और ट्रोल करते हैं, लेकिन उर्फी के स्ट्रगल लाइफ को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लोग उर्फी को इसलिए हेट करते हैं क्योंकि उनका फैशन स्टाइल बहुत ज़्यादा अलग है। तो अब बात कर लेते हैं उर्फी की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में। स्टार्टिंग की पढ़ाई उर्फी ने लखनऊ से ही कम्प्लीट की है और इन्होंने मास कम्युनिकेशन भी किया है। दोस्तों, जब उर्फी 15 साल की थी और 11 स्टैंडर्ड में थी, तब उर्फी ने अपना एक फ़ोटो फेसबुक पे शेयर किया था जिसमें उन्होंने ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ था, और उर्फी का वही फ़ोटो किसी ने पॉर्न साइट पर शेयर कर दिया, जिसकी वजह से उनका फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया और लोगों को लगने लगा कि उर्फी जावेद पॉर्न वीडियोज़ बनाती हैं, और इसी वजह से उर्फी को उनके स्कूल से भी निकाल दिया गया था और उनके पापा ने उन्हें मेंटली और फिजिकली 2 साल तक टॉर्चर किया। उर्फी ने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा समझाया, पर उर्फी का सपोर्ट किसी ने नहीं किया, और उनके पापा उर्फी को बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे। इसकी वजह से एक बार उर्फी जावेद ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, और उर्फी के पापा ने उनकी मम्मी को डिवोर्स दे दिया और किसी और के साथ शादी कर ली। और उर्फी जावेद इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। और एक रात वो मुंबई के लिए रवाना हो गईं। वो मुंबई तो आ गईं, पर वो मुंबई में किसी को भी नहीं जानती थी। मुंबई आकर उर्फी ने एक रेंट पर रूम लिया और छोटी मोटी जॉब करना स्टार्ट कर दिया। उर्फी का बचपन से ही सपना था कि वो एक एक्टर बने, लेकिन उनकी फैमिली बिल्कुल भी सपोर्टिंग नहीं थी और उन्हें यही लगता था कि उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। फिर उर्फी ने सोचा, अब मुंबई तो आ ही गई हैं, तो चलो ऑडिशन देना भी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद उर्फी जावेद ने ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से हुई उर्फी जावेद के करियर की शुरुआत। उर्फी जावेद ने कई सारे ऑडिशन दिए, लेकिन उन्हें हर कहीं से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, और इसके बाद 2016 में उन्हें साइड रोल करने का मौका मिला बड़े भैया की दुल्हनिया में। और इसके बाद उर्फी जावेद ने कई सारे सीरियल्स में काम किया, जैसे चंद नंदिनी, मेरी दुर्गा, बेपनाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और 2020 में वो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि 2021 में उन्हें बिग बॉस OTT में आने का मौका मिला, और बिग बॉस OTT में आने के बाद उर्फी की तो किस्मत ही बदल गई। और अब फैशन की दुनिया में उर्फी जावेद का जाना माना नाम है। हर कोई उर्फी जावेद को जानता है। उर्फी जावेद सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर छाई रहती हैं। उर्फी अपनी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। वहीं कुछ लोग उर्फी को प्यार करते हैं तो कुछ लोग उर्फी को बहुत ज़्यादा नफरत और ट्रोल करते हैं। उर्फी की फैमिली ने भी उनका साथ नहीं दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। वहीं उनके पापा, जो उन्हें मारते पीटते और मेंटली टॉर्चर करते। उर्फी जावेद ने आज जो भी सक्सेस हासिल की है अपने दम पर की है। उर्फी के बारे में कोई अच्छी बातें करता है तो कोई बुरी बातें करता है, लेकिन बात हर कोई करता है, और बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। इसमें आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं उर्फी जावेद की सोशल मीडिया पर फेम के बारे में। तो इनके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फॉलोअर्स कम्प्लीट हो चुके हैं।
तो अब बात कर लेते हैं उर्फी जावेद के रिलेशनशिप के बारे में। तो उर्फी जावेद अनुपमा फ्रेम पारस को डेट कर चुकी हैं और प्रेजेंट टाइम में वो बिल्कुल सिंगल हैं और अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं उर्फी जावेद की फेवरेट थिंग्स और हॉबीज़ के बारे में। तो इन्हें ट्रैवलिंग करना, डांस करना बहुत पसंद है। इनका फेवरेट कलर ब्लैक है। इनके फेवरेट एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान हैं और इनकी फेवरेट एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हैं। उर्फी जावेद बहुत बड़ी फूडी हैं और इन्हें फास्ट फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। उर्फी जिम नहीं करती फिर भी बिल्कुल फिट रहती हैं। तो अब बात कर लेते हैं उर्फी जावेद के फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। तो इनकी हाइट 5 फीट 2 इंच है, बॉडी वेट 50 अप्रोक्स है, आई और हेयर कलर ब्लैक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। उर्फी जावेद आपको कैसी लगती हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सजेशन ज़रूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइज़।